क्या ऋतिक रोशन से है श्वेता बच्चन का अफेयर? और क्या वाकई में ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन के दामाद बनने जा रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोग्राफीज केव। सुजन से तलाक के बाद श्वेता बच्चन के प्यार में थे ऋतिक रोशन। बच्चन परिवार इन दिनों अपने घरेलू मसलों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। बहू ऐश्वर्या के ससुराल से रिश्ता ठीक न होने की खबरें आग की तरह इंटरनेट पर फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या ने तंग आकर अपना ससुराल भी छोड़ दिया है। इस बीच बिग बी की बेटी श्वेता को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल श्वेता और ऋतिक रोशन के अफेयर्स की खबरें नेटिजन्स ने खोज निकाली हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि श्वेता अपने पति निखिल नंदन से अलग हो गई हैं, लेकिन बच्चन परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने तलाक नहीं लिया। खबरें थी कि सुजन से अलग होने के बाद ऋतिक रोशन अपनी बचपन की दोस्त श्वेता बच्चन के करीब आ गए थे। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि ऋतिक और अभिषेक बच्चन बचपन के दोस्त हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ऋतिक रोशन श्वेता के भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन शादी के बाद श्वेता और ऋतिक के दरमियान संबंध टूट गया था। कहा जाता है कि जब ऋतिक के पैर में चोट लगी थी तो उस वक्त अभिषेक और श्वेता अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे और फिर उस दौरान ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए। इस दौरान श्वेता के दोनों बच्चे अगस्त्यानंदा और नव्या नवेली बोर्डिंग स्कूल गए थे और इसी बीच श्वेता बच्चन ने एक लेखक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता की वजह से ही ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत से दूरी बनाई थी। इस वक्त श्वेता अपने माता पिता के साथ रह रही हैं, जिस वजह से बच्चन परिवार परेशान था और फिर इन्होंने श्वेता में एक पॉजिटिव बदलाव देखा। हालांकि जब कंगना और ऋतिक का रिलेशन सुर्खियों में आया और काफी ड्रामा भी हुआ तो श्वेता उस वक्त इस रिश्ते से पीछे हो गई, क्योंकि वो इन विवादों से दूर रहना चाहती थी। वहीं वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गई, जबकि उनके पति मुंबई में रहते हैं। वेल दोस्तों, ये स्कैंडल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल रही है कि ऋतिक रोशन और श्वेता बच्चन का अफेयर है और ऋतिक रोशन जल्द ही अमिताभ बच्चन के दामाद बनने वाले हैं। फिलहाल इस बारे में ना ही श्वेता बच्चन का कोई बयान सामने आया और ना ही ऋतिक रोशन का। फिलहाल तो वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर परेशान हैं और बच्चन परिवार से किसी भी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं की गई। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या है कहना हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।